हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को पानीपत में एक समारोह को करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने गत 4.5 वर्ष से अधिक के कार्य के दौरान सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास कार्य करवाए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के हर इलाके में शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और बेहतर सड़कें देने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के दौरान लोगों को एक बार भी विकास कार्यों की मांग न करनी पड़े, इसके लिए सरकार एक डाटा तैयार करवाएगी। इसमें प्रदेश के हर परिवार की संपूर्ण जानकारी होगी और उसी जानकारी के आधार पर हर गरीब आदमी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री खट्टर ने क्या कहा। जन सेवा करना, समाज का वो वर्ग जो पीड़ित है, दुखी है, वंचित है, जरूरतमंद है, शासन के माध्यम से उसकी जरूरतें पूरी करना ताकि उसका जीवन भी सुखी हो और वो भी समाज की मुख्य धारा में चल सके। विपक्षी पार्टियों के लोग सत्ता प्राप्त करके अपनी इतिश्री मान लेते हैं, यात्रा समाप्त मान लेते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता जब प्राप्त होती है तो अपनी यात्रा की शुरुआत मानते हैं। हमारी यात्रा शुरुआत हुई है, हम इसके माध्यम से समाज के काम करेंगे, जनता के काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के करेंगे, न्यायप्रिय होकर के करेंगे। और जो चाहे केंद्र में हमारी 5 साल की सरकार चली है और चाहे प्रदेश में 5 साल पूरे होने वाले हैं, हम इन बातों पर खरे उतरे हैं मित्रों। चाहे विकास की बात हो, बिना किसी भेदभाव के हमारा विधायक है चाहे नहीं है, किसी क्षेत्र के अंदर विकास की कमी नहीं आने दी है। 90 के 90 विधानसभाओं में बराबर का काम ये हरियाणा की आपकी सरकार ने किया है। सब लोग प्रसन्न हैं, कहते जितना विकास अब हुआ कभी नहीं हुआ है। हम लोगों ने युवाओं को नौकरी देने की बात कही तो हमने कहा मेरिट पर देंगे, भेदभाव करके ये जो चक्कर काटने वाला कोई आदमी होगा पर्ची और खर्ची के हिसाब से नहीं देंगे। किसी भी गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, मेरिट के ऊपर नौकरी देने से एक एक गांव में 50-50, 60-60 लोगों की नौकरी लगी। और आज हमारा युवा को इस बात से खुश है कि मुझे अब किसी के आगे पीछे चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, सबको बिना किसी भेदभाव के नौकरी ये हमने मित्रों दी है। और हमारे इस काम की चर्चा न केवल हरियाणा प्रदेश की जनता में है, दूसरे प्रदेशों में भी चर्चा करते हैं कि अगर सरकार होती है, सरकार का व्यवहार होता तो ऐसा होता है। यहाँ के हमारे समाज में युवा हों, महिलाएं हों, व्यापारी हों, किसान हों, मजदूर हों, उद्योगपति हों, खिलाड़ी हों, सैनिक हों, कोई भी वर्ग है, हमने हर वर्ग के लिए काम किया है मित्रों। और आगे भी जो इस प्रदेश के अंदर आज भी हमको कमियां लगती हैं, उन कमियों के ऊपर पूरा काम करने का हमारा संकल्प है। और वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा सुविधाओं की बात हो, इन सब बातों पर भी आगे हम काम करने वाले हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके ऊपर भरपूर काम हमने किया है। छोटी मोटी कमियां हो वो भी पूरी हो रही हैं, लेकिन अगले समय का एजेंडा हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में ये जो सामान्य सुविधाएं समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, ये मिलनी चाहिए। इसलिए आज से ये मान लो कि हमारी योजनाएं अब चाहे व्यक्ति चाहे परिवार उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपने आप जानकारियां लेंगे, एक डाटा तैयार कराएंगे, व्यक्ति का भी परिवार का भी, जिसके पास कोई कमी है, जिसको जरूरत है, बिना मांगे उसके घर पहुंच करके हमारा सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसको दे करके आएगा कि हमको पता है आपकी जरूरत है, घर बैठे ये पकड़ो। हम लोग आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प और लेना चाह रहे हैं और वो संकल्प ये है कि राजनीतिक तौर पर कुछ पार्टियों ने हमारे समाज के अंदर भेदभाव खड़े कर दिए और खास करके इलाके का भेदभाव कि ये रोहतक जिले का करने वाला काम है, ये हिसार जिले का है, सिरसा का है, फरीदाबाद का है, कोई अंबाला का है, कोई करनाल का है, कोई पानीपत का, हम जिलाशा लोगों को नहीं बांटेंगे और ना हम जातियों के हिसाब से बंटने देंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को अपील करता हूं कि कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं,
तो हमको एक बात बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहना चाहिए कि अपना जुड़ाव, अपना संबंध इस प्रदेश के साथ जोड़ करके कहें कि मैं सबसे पहले हरियाणा में ही हूं। जरूरत पड़े तो बाद में जो बताना बताओ, लेकिन मेरे मन में अपने प्रदेश का गौरव ये खड़ा होना चाहिए। और यदि प्रदेश का गौरव खड़ा करेंगे तो आसपास के प्रदेशों में आगे बढ़ने की होड़ ये अपने मन में आनी चाहिए, ये हमारे समाज के, हमारे वोटर के मन में आनी चाहिए। आज बहुत चीज़ों में हम हरियाणा देश के अंदर बहुत आगे है। हमने राष्ट्रीय स्तर के 114 पुरस्कार लिए मित्रों, 114 पुरस्कार, एक बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले हैं, हर क्षेत्र में मिले हैं। आगे भी जो बातें हमारी कमी रह गई है अभी भी, उसको पूरा करने के लिए हरियाणा एक ऐसा प्रदर्शन बनना चाहिए कि हरियाणा का मॉडल अगर देश में कोई चर्चा करे, कोई किसी को कहे और पूछे कि आप कैसा विकास करना चाहते हैं, तो लोगों की जबान पर आना चाहिए कि हम हरियाणा मॉडल खड़ा करना चाहते हैं, हरियाणा मॉडल सबके लिए आदर्श बने। मित्रों, जो हमारे अभी बचे हुए काम हैं, चाहे शहरों के अंदर हमारे विकास की बात है, कहीं कहीं हमारी पिछड़ी कॉलोनियां, उन कॉलोनियों के विकास का काम एक बड़ा काम है। 650 से ऊपर कॉलोनियां हमने रेगुलराइज की है, उनमें काम होना शेष है, और जो कॉलोनियां बची हैं उसके अंदर भी हम काम कराएंगे। गांव के अंदर हम पंचायतों के साथ तालमेल करके, जिला परिषदों के साथ तालमेल करके हमने अंतर जिला परिषद बनाई है, ताकि स्थानीय निकायों को ज़्यादा ताकत दी जा सके, जिला परिषद को, पंचायत समिति को, पंचायतों को और अधिकार दिए जा सके। ये काम हम मित्रों कर रहे हैं। इसी प्रकार गांव-गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमने लाइनें बिछवा दी हैं फाइबर की, ताकि दूर दराज बैठा हुआ एक हमारा नौजवान, आज उसको जरूरत है, अगर वो आज चाहता है मैं 4G का नेटवर्क इस्तेमाल कर सकूं, तो दूर दराज का गांव भी उपयोग कर सके। गांव-गांव में ग्राम सचिवालय खुला दिए हैं, गांव हो, शहर हो, खेत हो, किसान हो, हमारे तालाबों की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सब हम बढ़िया से बढ़िया करने वाले हैं। एक ही संकल्प आपने लेना है कि हरियाणा में फिर से 100 दिन के बाद आने वाले चुनाव में एक बहुमत के साथ हम आगे बढ़ें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।